गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू महादेव फैमिली। आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, वैसे तो बहुत खूबसूरत है लेकिन आज हैं क्लाउड्स बहुत ज़्यादा, तो हल्के हल्के यहाँ पर आसमान साफ भी है लेकिन क्लाउड्स हैं आज, अदरवाइज़ इस वक्त तक सनराइज़ हो जाता था। अब बहुत ही अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, इस वक्त गर्मी भी नहीं है, कूल प्लेजेंट है इस वक्त। तो हम ऊपर टेरेस पे यहाँ घूम रहे थे क्योंकि वॉक करके आ गए हैं, तो यहाँ हम घूम रहे थे और कर रहे हैं इंजॉय इस वेदर का। और यहाँ पर मैं इसीलिए आई थी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, पैरट्स आते हैं यहाँ पर मेरे, उनको मैं दाना डालने आई हुई थी, तो उनको दाना डाला। दाना डालने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर घूम रही हूँ और ये आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर क्लाइमेट है और आसपास का व्यू है बहुत ही खूबसूरत। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मुझे खड़े होना। और ये है टॉप पे, हमारा टॉप के ऊपर, तो यहाँ मैं आपको लेके आई हूँ आज टॉप के ऊपर। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि अभी बेटा फ्रेश होने के लिए गया हुआ है नीचे, तो आएगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ खड़े होकर के कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे नीचे काम वाम करने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है क्योंकि आज उसका मैथ्स का एग्ज़ाम्स भी है। मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रही है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स आएगा, प्रेपरेशन उसकी अच्छी है लेकिन फिर भी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। वेट कर रही थी तो यहाँ पे बैठ करके छोटे बच्चों की तरह गाड़ी से खेल रहा है। मेरा मॉडल है, तेरा मॉडल है, बस मैं एक्सरसाइज के लिए वेट कर रही हूँ तेरा और तू यहाँ पे बैठ कर के। कहाँ जा रहा है तू? बाय द वे मोटरसाइकिल किसने दी तेरे को परमिशन? पापा ने। क्या बोला? मैं 20 किलो लिया। 20 किलो लिया। आज कैसे दे दिया तेरे को चलाने के लिए? ऐसे भी तो मैं ही चलाता हूँ छोटे मोटे काम के लिए। अच्छा, आज तो पापा झाड़ू मार रहे हैं, देख बोला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेक्शन में बता दें। और क्या कर रहे हैं आप लोग ये भी बताइए जरूर। अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं पूजा करूँगा, फिर मैं थोड़ा पढ़ूँगा और फिर मैं जाऊँगा स्कूल पेपर देने। मैंने अपना आधा रिवीजन कर लिया है, अब आधा मैं जो ओरल होता है MCQ उसको करूँगा और फिर स्कूल चला जाऊँगा। फिर देखते हैं कि स्कूल जाने के बाद क्या करना है। ये है हमारा बाथरूम, ये है हमारा गीजर, ये हो चुका है पूरा गर्म, ये है हमारा शावर। तो ठीक है गाइस, मैं नहा लेता हूँ, तब तक आप देखते रहिए हमारी फैमिली। बाय दोस्तों, अब मैं नहा चुका हूँ, अब मैं पूजा करने के लिए चलता हूँ। बाय। आज हमने बनाया है शाही पनीर, ये आप देख सकते हैं मैंने आज शाही पनीर बनाया। कुछ भी सब्जी नहीं दिख रही थी मेरे को, तो मैंने पहले पनीर निकाला फिर उसके बाद शाही पनीर प्रिपेयर कर दिया खाने के लिए। तो सब्जी आज फ्रेश कोई भी नहीं थी मेरे पास, और साथ में चपाती। और मम्मी कैसा लग रहा है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है शाही पनीर।
अच्छा। और ये इसको जब भी खिलाया जाता है पहले तो ये एक जज होता है हमारे घर का, और खा करके ये बताता है कि कैसा है। चबाता नहीं है, सीधे अंदर ले जाता है, स्वेलो करता है। कैसा बना है? बना तो बहुत अच्छा, लेकिन अदरक ने स्वाद बिगाड़ दिया। मजा लग गया प्यारिया। मैंने खिला दी दही चीनी मेरे बच्चे को, इसका है मैथ्स का एग्जाम। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अच्छा करना है ना। अब ये जा रहा है एग्जाम्स देने के लिए। अभी ये सोतड़ उठे हैं अभी यहाँ से उठ करके। हेलो। 10 बजे उठ गए ये, और अब नोनो को छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर ये सोने चले जाएंगे। ये देखो, ये अब सोतड़ यहाँ से जा रहे हैं नोनो को छोड़ने के। दोस्तों हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, नोनो को भेज दिया है। अब उसका एग्ज़ाम 12:45 पे शुरू हो चुका है, और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। आता उसको कंप्लीट है, सारा आता है, जितना भी उसका सिलेबस है, 8-9 यूनिट्स है उसकी, तो आती वो सारी की सारी है। लेकिन वो थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे आ जाता है, उसी तरह से होता है उसको। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि 4 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, और फिर मैं क्वेश्चन पेपर देखूँ कि उसने क्या किया है। अब बोलेगा तो मेरे से यही है कि सब कुछ कर लिया, पर मुझे थोड़ा सा उसका लग रहा है, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है कि किस तरह से वो एग्ज़ाम्स करेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि भगवान जी सब अच्छा करेंगे। वेट कर रही हूँ उसके आने का। देखो दोस्तों, मेरा जो छोटू बच्चा है वो कितना सुंदर राइट कर रहा है। करो राइट बेटा, करो वन, यहाँ पे पहले आप वन करो, वन यहाँ पे, मुँह से भी बोलना है वन। अब यहाँ पे टू बनाओ, हाँ हाफ सर्कल में बनाओ, शाबाश। ऐसे पीछे करो, 12, मुँह से बोलो 12 बोलो, वेरी गुड। देखो दोस्तों, किस तरह से अगर बच्चों को हम एक्सेंट प्रॉपरली सिखाते हैं तो बच्चा उसी तरह से बोलता है। तो जैसे मैंने बोला 12, तो ये भी 12 बोलेगा। ज़्यादातर बच्चे जो है 12 बोलते हैं, तो ये रॉन्ग प्रोनंसिएशन है, तो इस तरह से नहीं बोला जाता है। बच्चों को हम छोटे में जब जैसा सिखाते हैं तो वैसा ही सीखता है, माउथ में नहीं इसको डालते हैं। तो हम बोलेंगे 12, तो ये भी 12 ही बोलेगा। बस अभी नोनो का टाइम भी हो रहा है एग्ज़ाम्स का, बस कुछ ही देर में नोनो भी आ जाएगा, तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। अभी हम लोगों को पौधे यहाँ पर मिले नहीं जो हमने लगाना चाहते थे यहाँ पर, तो हमें वो प्लांट अभी मिले नहीं है। हो सकता है कल हमें मिल जाए, तो अभी थोड़ी देर में कुछ और भी इंटरेस्टिंग करेंगे। तो अभी मैं इनको पढ़ा लेती हूँ, नोनो को भी लेने जा रहे हैं उनके पापा, तो वो क्वेश्चन पेपर भी मैं देखती हूँ क्या उसमें आ रहा होगा। स्कूल से आकर के इसको करना पड़ता है सैनिटाइज, क्योंकि दोस्तों के साथ होता है। और ये छुटकू बेबी भी बोल रहा है मेरे को सैनिटाइज कर लो, करो सैनिटाइज, ऐसे, वेरी गुड। तो अब सैनिटाइज करने के बाद आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसा इसका एग्जाम हुआ होगा। तो कैसा हुआ एग्जाम? बहुत अच्छा। Are you sure about the paper? 50-50. मतलब पेपर नहीं, MCQs में है मेरा 99.9% ठीक है, 0.001% मेरा गलत हो सकता है। क्यों? टू ना मॉर्निंग में तो था ये कि हाँ टू था ना, मैंने वही ध्यान किया, इसमें टेल था ना इसलिए था। तो टेल में टू कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो टेल आने की कितनी संभावना होती है? एक या दो? टॉस करेंगे सिक्के के उछालने पर जो टेल आएगा, सपोज करो ये कॉइन है मेरे पास, ये उछाला मैंने, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये टेल आएगा या हेड आएगा? ओ भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। गया तो यहाँ पर आए मंकी, इनको मेरे को भगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली आएंगे तो जो कुछ भी मैं यहाँ लगाऊंगी
तो वो लग नहीं पाएगा। अभी जैसे यहाँ पर मेरे लेमन वगैरह में फ्लारिंग हो रही है, फ्रूट्स आएंगे इसके अंदर, तो ये कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी जैसा यहाँ पर एक ये मेरा जो पौधा है वो जापानी फल है, इसमें आए हुए हैं छोटे छोटे कोंपले, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट इसमें लीफ वगैरह आए हुए हैं। तो अगर ये लोग आएंगे तो कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये यहाँ पर पहुँचे थे ये मेरे रोजेज़ के जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है बड जिसमें लगे हुए, तो पूरा तोड़ के चले गए थे। तो अभी मेरे बहुत प्यारे फ्लावर यहाँ आने वाले हैं, तो ये मेरे को डाउट लग रहा है अभी भी वहाँ पे दो हैं पहुँचे हुए, वो देखो। और यहाँ पर रही है मेरा छोटू बेबी, और इसको लगता है मंकी से डर। मंकी से डर लगता है आपको? हाँ, अभी मैंने भगाया पत्थर से ना, डरेंगे तो नहीं अब आप? डरेंगे तो नहीं है ना? हाँ, ऐसे भगाना होता है, डरते नहीं है, ठीक है। ओके दोस्तों, ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, और अभी मैं थोड़ी सी इसकी क्लास भी लूँगी कि क्या किया इसने गड़बड़। तो देखते रहिए महादेव फैमिली, मिलते हैं कल, बाय बाय।